नमस्कार, मेरा नाम विक्रम है और मैं WCD डिपार्टमेंट के अंडर ICD स्टाफ का LDC बतौर काम कर रहा हूँ पिछले 7 साल से। अभी जैसे कि आपने पूछा कि हमें उस टाइम पे रेगुलर क्यों नहीं किया गया और क्या नए बच्चों को, नए भविष्य को रेगुलर पोस्ट या उसकी हमारी पोस्ट ना दिया जाए, मौका ना दिया जाए, तो मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा अपने डिपार्टमेंट से, हम भी चाहते हैं कि आने वाले बच्चों को मौका मिले, मगर वो मौका हमें हटा करके दिया जाए ये हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि हमारे भी परिवार है, हम भी पिछले इतने टाइम से काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। अगर सरकार का यही मोटिव है कि सेवा करो और बाहर में निकाल दो, तो इस तरह से जो है फिर आगे वाले बच्चों का भी भविष्य खराब होगा, उनको तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि इस तरह से वो जॉब के अंदर आए। दूसरी चीज़ कि आपने कहा कि सरकार पहले सरकार नहीं थी, सरकार बाद में बनी, हमें लगा कि ये नेता है केजरीवाल जी है, सिसोदिया जी, ये आएंगे तो हमारा कुछ भला होगा, यही सोच करके हमने सब ने इनको वोट दिए और 77% वोटों से इनको जीत हासिल हुई है। उसके बाद अगर वो इस तरह का बिहेव अपनाते हैं कि हमें आज 38 दिनों के यहाँ पे बैठे हुए और हमारी वो कोई सुविधा नहीं ले रहे हैं, किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हमें यहाँ पे बैठने का कोई शौक नहीं है, ना कोई हमें कोई यहाँ पे बैठने में मज़ा आता है। हमारी जो मजबूरी है वो हमें यहाँ रोड पर लेकर आई है कि हम अपनी मांगों को, क्या पता है जैसे कि उन्होंने धरने देकर के मंत्री आज बन में बैठे हैं, क्या पता इस तरह से बैठ कर हम भी अपनी बातों को मनवा सके। और ये इस तरह का उन्होंने ट्रेन एक बना दिया है कि जब तक आप धरना नहीं दोगे आपकी बात सुनी नहीं जाएगी, नहीं मानी जाएगी, आप जितना मर्जी पत्र व्यवहार कर लो, पत्र व्यवहार का आपका जवाब तक नहीं दिया जाएगा, आपकी बात सुनना तो बहुत दूर की बात है। विक्रम जी, आप इतना बड़ा नेतृत्व कर रहे हैं इनका, सब सुपरवाइजर वगैरह का ये कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी तक आपसे किस तरीके की कोई बात की है? अभी हमारी 2 बार बात हुई है केजरीवाल सर से बात भी हुई है और यहाँ पे जो उनके PA सेक्रेटरी है दिल्ली सचिवालय के अंदर परवेश रंजन झा, उनसे भी बात हुई है, उनके थ्रू एक लेटर वहाँ पे गया था जिनका जवाब उन्होंने 19 तारीख को मांगा था दिवाली वाले दिन, बट 23 तारीख तक वो जवाब नहीं आया था। 23 तारीख को दोबारा रिमाइंडर दिया गया कि फ्राइडे तक जवाब आ जाए, फ्राइडे को भी अभी जवाब नहीं आया और आज 12 बजे तक का उनको टाइम दिया गया था कि 12 बजे तक या तो वो मेल के थ्रू लिखित में जवाब दें या व्हाट्सएप पे ही जवाब दे दें। अभी भी मेरे ख्याल से उनके पास कोई जवाब नहीं आया है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब हमारे डिपार्टमेंट, हमारी डायरेक्टर CM सर की नहीं सुन रही है तो हम तो किसी गिनती में ही नहीं आते, और अगर डायरेक्टर नहीं सुन रही है तो CM सर क्या कर रहे हैं ये CM सर जानते हैं। राकेश वाला, डिप्टी डायरेक्टर राकेश वाला, या CM की बात को नहीं मानेंगे डायरेक्टर? सर, जिस तरह से सिचुएशन चल रही है और पत्र इस लेटर को आज पूरे 20 दिन हो चुके हैं, अगर CM का लेटर मेरे पास आता है तो मैं उसको सीरियसली लूँगा, उसका जवाब जल्दी से जल्दी दूंगा। अगर मैं सोचूंगा तो ये सर ऐसे लेटर आ गया तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, तो वो इसी चक्कर में ले रहे हैं, CM सर को भी कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं, इसीलिए उनका जवाब नहीं दे रहे हैं वो। क्या आप लगता है कि आप एक राजनीति भवन में फंस चुके हैं? बिल्कुल सर, हम तो यह है कि डिपार्टमेंट की और केजरीवाल सरकार की राजनीति के अंदर हम पिछते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी फैमिली है, हमारा जो टाइम जा रहा है जो बर्बाद हो रहा है, क्योंकि हम काम करने वाले लोग हैं, इतने सालों से काम कर रहे हैं, हमें रोड पे बैठना पसंद नहीं है। हम आज भी चाहते हैं कि आज वो हमारी मांगे माने तो हम आज कल जाकर अपना ऑफिस ज्वाइन करें, बट वो कोई भी बात सुनने को या कहने को या लिखित में देने को तैयार नहीं है। आगामी योजना क्या रहेंगे आपके धरने को, अगर केजरीवाल सरकार और डायरेक्टर आपकी बातों को नहीं मानते तो आगामी योजना क्या रहेगी? आगामी योजना हमारी यही रहेगी, हमारा जो संघर्ष चल रहा है कंटिन्यू चलेगा और जल्दी ही हम 24 घंटे की हड़ताल पर जाएंगे। दिल्ली सरकार ने और केंद्र सरकार ने एक रूल बना दिया गया है कि अभी जंतर मंतर पर अपनी मांग को लेकर एक संविधान के तहत जगह दी जाती थी और वो सारी जगह खत्म कर दी गई है, हो सकता है कि कल को आपको यहाँ से उठा दिया जाए, तो आप क्या करेंगे उसके बारे में? उसके बाद फिर हम CM सर के घर जाके पूछेंगे कि आप हमें जगह बता दो, वहाँ जाके बैठ जाएं। ओके, थैंक यू।